नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टोटका आपको बताएंगे श्री भैरव का और चामुंडा देवी का अलग अलग मंत्रों द्वारा, वो है शत्रु के हनन के लिए, शत्रु को प्रताड़ित करने के लिए, शत्रु का मुंह मोड़ने के लिए, शत्रु की हार के लिए। बिल्कुल जी हाँ, आपने सही सुना। हम हर वीडियो में आपको यही बताते हैं कि किसी का बुरा ना करें, लेकिन इस वीडियो से भी आप किसी का बुरा नहीं करोगे। इसमें क्या है कि इस टोटके से आप उस शत्रु को अपने से दूर रख पाओगे। अगर कोई शत्रु आपको बार बार परेशान करता है, सताता है या प्रताड़ित करता है, या किसी प्रकार का मानसिक आपको प्रताड़ना कर रहा है, या आपका कोई बॉस है, या आसपास में कोई आपका दुकानदार है या नौकर है, या मकान मालिक की कोई भी है, आपको किसी प्रकार की भी परेशानी देता है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल जो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुने। इससे उसका बुरा नहीं होगा, लेकिन आपसे शत्रुता त्याग देगा। उसको स्वप्न में चामुंडा देवी या भैरव बाबा इतनी प्रताड़ित करेंगे, उसको अकल ठिकाने आ जाएगी। और अगर आपका उसके साथ मतभेद चला हुआ है, वह भी दूर हो जाएगा। आपसे वो क्षमा मांग लेगा, आपसे दूर होगा। और अगर आपका उसके साथ केस चला हुआ है, अगर आप अपनी जगह सही हैं, सच्चे हैं, तो भगवान की कृपा से आप 101% विजय होंगे। जी हाँ, तो शुरू करते हैं वीडियो, तो ध्यान से सुने। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार के साबुत उड़द के साफ दाने लेने हैं। बिल्कुल आप 11 दाने, 21 दाने या 51 दाने ले सकते हैं। बिल्कुल कम से कम मैं कहूँगा 21 दाने जरूर लीजिए। उनमें चामुंडा देवी का ये मंत्र पढ़कर ये दाने आपको पहले आमंत्रित कर लेने हैं। उसके बाद एक तेल का दीवा जगाकर उसमें ये डालने हैं। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः। आप चामुंडा की जगह चामुंडाए भी बोल सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे नमः। ओम शत्रु नासाय नासाय। बस इतना आपको ही बोलना है। ये मंत्र में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो अगला मंत्र है, अगर आप ये मंत्र ना बोल पाए तो आप बिल्कुल एक और मंत्र है भैरव बाबा का, वो मंत्र बोल के ये कार्य कर सकते हैं। जी मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। आपको पहले इन मंत्रों का उच्चारण करने से पहले गणेश भगवान का ध्यान करना है, अपने गुरु महाराज का ध्यान करना है, उसके बाद ही ये मंत्र आपको बोलने हैं। बिल्कुल ओम नमो महते बटुकाय महाबटुकाय भैरवाय नमः स्वाहा। बिल्कुल एक मंत्र ये है, और इनमें से कोई भी मंत्र, एक मंत्र एक दाने पर बोलकर, आपको 21 दाने लेने हैं तो 21 मंत्र बोलें। अगर 31 लेंगे, 51 लेंगे, जितने भी दाने लेंगे उतने ही एक मंत्र एक दाने पे बोलकर आपको ये आमंत्रित कर लेना है। उसी प्रकार हाथ में रख के ये आमंत्रित करना है। उसके बाद दिए में डालते हुए फिर से एक दाना डालोगे, एक मंत्र बोलना है। दूसरा दाना डालोगे, दूसरा मंत्र बोलना है। यानी कि डबल बार हो जाएगा। एक बार हाथ में लेके उतने ही मंत्र बोलने हैं, फिर वो एक एक दाना डालते हुए दिए में वो मंत्र बोलना है। तो आप समझ ही गए होंगे। कुछ समझ ना आए, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपकी वजह से दूसरों का भला हो, किसी और को भी पता चले। लाइक करें ताकि हमें हौसला हो, आने वाली सभी वीडियो इससे भी सरल बताते रहेंगे समय समय पर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल है इस पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको पता चलती रहे समय समय पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप ये कीजिए, आपको समझ ना आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय भैरव, जय काली माता।